गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ठीक है। अगेन हमें आपको एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट है हमारा अगेन वही लैपलास ट्रांसफॉर्म का ही क्वेश्चन है। अभी हमने एक सिंपल किया था, हमने देखा कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज का कलेक्शन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। मतलब अब आपको ये फंक्शन दिया है, अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन जो करवाए हैं उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो हमको फंक्शन दिया जा रहा है उसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म का कौन सा फॉर्मूला या कौन सी प्रॉपर्टीज उसके अंदर मैच कर रही है। तो आपने देखा होगा कि एक तो हमें ये ई की पावर टी दिख रहा है माइनस टी, तो मतलब कहीं ना कहीं माइंड में आया होगा कि ई की पावर ए टी का हो सकता है ना, और साथ में क्या दिख रहा है साइन टी अपॉन टी, तो मतलब कहीं ना कहीं दिस इज अ कलेक्शन ऑफ टू प्रॉपर्टीज। एक हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एंड अगेन सेकेंड इज डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जब भी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज का कलेक्शन आए तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को दी जाती है। मतलब कोई सी भी प्रॉपर्टीज का कलेक्शन हो पर सबसे पहले हमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। वो फर्स्ट में यूज होती है और लास्ट में आके फिर एंड में अपनी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है। तो वी नो दैट, अब याद आपको पता है कि अगर हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे ताकि हमको ये पता होना कि हम अपनी लाइन में चेंज क्या करें। क्वेश्चन की शुरुआत क्या होगी, वी नो दैट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम उतारेंगे एल ई की पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एल एफ ऑफ टी, मतलब ई की पावर ए टी आपका बाहर चला जाता है। कैसे जाता है, अगर ई की पावर में माइनस ए टी है तो वो बाहर जाके क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसफॉर्म एस प्लस अपोजिट होता है। अगर ऊपर प्लस होता तो बाहर जाके उसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस माइनस ए। ये याद रखना हमेशा, अगर माइनस में पावर दी है तो जैसे हम उसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस, तो वो क्या हो जाएगा बाहर जाके पॉजिटिव। और अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो प्लस का अपोजिट क्या होता है मैथ्स में, माइनस। तो वो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, किसी चीज़ में परिवर्तन करना, तो वो हो जाएगा आपका एस प्लस ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब आपको अपने क्वेश्चन को जस्ट इसके नीचे उतारना है क्योंकि हम कंपेयर भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, एल की जगह पर एल लिखा, ई की पावर माइनस ए टी की जगह पर ई की पावर माइनस टी रखा, डॉट एफ ऑफ टी की जगह पर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर साइन टी अपॉन टी, ठीक है। इससे ये होगा, अगर इसका ट्रांसफॉर्म ये होता है तो मैं इसको देख के अपने क्वेश्चन का भी ट्रांसफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम आपको किसको बाहर करना है, इसको बाहर करना है, ई की पावर माइनस टी को कंपेयर करेगा। तो एल की जगह पर मैंने एल रखा, ये साइन टी अपॉन टी अंदर ही रहेगा, बाहर क्या जाएगा शिफ्टिंग, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म्स बाहर जाएगी। ई की पावर माइनस टी कंपेयर करिए तो ये हो जाएगा एस टेंस टू एस प्लस वन। तो मतलब हमने एक प्रॉपर्टीज को अपने क्वेश्चन से रिमूव किया। अब अगेन जैसे ये बाहर चला गया आपको दिख रहा होगा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिवीजन बाय टी, एल एफ ऑफ टी अपॉन टी से कंपेयर करेंगे। तो ये जैसे ही आपने शिफ्टिंग को बाहर किया इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टीज अप्लाई होने को आ गई, वो है अपना डिवीजन बाय टी। तो हमने फिर वही डिवीजन बाय टी का फॉर्मूला उतारा, क्या होता है एस इज इक्वल टू एस से लेके इन्फिनिटी एल, ठीक है, साइन टी डी एस और एस टेंस टू एस प्लस वन। इसमें लगाएंगे अपने राइट हैंड साइड में लगाएंगे, इसको ऐसे उतारेंगे। अब हमने क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है कि जो डिवीजन बाय टी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिवीजन बाय टी का फॉर्मूला होता है एल एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट होती है एस इज इक्वल टू एस से लेके इंफिनिटी एफ ऑफ एस और डी, ये कहलाती है डिवीजन बाय टी, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा ऑलरेडी ये चल रहा है, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। हम राइट हैंड साइड में क्या चेंज करेंगे, अब यहाँ पर डिवीजन बाय टी में क्या आता है आपका एफ ऑफ एस आता है, और आपको पता है हम पहले बता चुके एफ ऑफ एस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एल एफ ऑफ टी के। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट कैसे हो गया, तो ये अपन पहले दो क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर एल की जगह पे एफ रखा, राइट हैंड साइड हम ऑपरेट कर रहे हैं, एफ ऑफ एस हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, हमको उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि हमको फंक्शन टी में दिया है। तो हम एफ ऑफ एस की जगह पे क्या रखेंगे, एल एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी हो गया साइन टी। अब यहाँ पर एक इसका ट्रांसफॉर्म है आपको पता होना चाहिए, एल साइन ए टी का लैपलास क्या होता है, साइन ए टी का लैपलास होता है आपका ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपने जैसे यहाँ पर साइन टी लिखा तो यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्म हो गया वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि ए की जगह पे यहाँ पर वन है। अब आपको दिख रहा है कि ये, अब जैसे इसको ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एस। मतलब ये जो आपका ट्रांसफॉर्म से रिमूव होके, ट्रांसफॉर्म से रिलीफ होके जो आपका फंक्शन अगेन बन गया है, दिस इज अ इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब आपको लिमिट रखनी है अपर माइनस लोअर,
वी नो दैट, आप पहले जान चुके, आपको पहले से याद होगा कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई टू। जैसे हम अपर लिमिट रखेंगे एस की जगह पे इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई अपॉन टू माइनस लोअर लिमिट एज इट इज, आपको एस की जगह पे एस रखना। अगेन देखिए यहाँ पर टिग्नोमेट्री बहुत यूज होगी, 90 माइनस का टेन इनवर्स थीटा, अगेन अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्म, 90 माइनस का टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स एस, और आपके साथ में क्या चल रहा है, साथ में आपके एस टेंस टू एस प्लस वन स्टार्टिंग, क्योंकि क्या चीज़ चल रही है आपकी, कॉस शक्ति थ्योरम। ठीक है, तो जैसे ही आप सेकंड प्रॉपर्टीज को पूरा कंप्लीट कर लोगे, लिमिट रख लोगे, इंटीग्रेशन से इसको रिलीव कर लोगे, जो आपका लास्ट में आंसर आएगा वहाँ पर एस की जगह पे आपको क्या ट्रांसफॉर्म करना है, एस प्लस वन। ठीक है, तो मतलब कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पहली स्टेप में ही बाहर चली जाती है, वापस अंदर का हम उसको लेके आते हैं जब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म से रिलीव हो जाता है। मतलब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी था, बस ये ध्यान रखना जब भी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज का कलेक्शन हो तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को दी जाती है, क्योंकि उसके नाम में ही जुड़ा है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट अप्लाई करो और जैसे ही पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए लास्ट में अगेन उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो अपने क्वेश्चन के एंड में। दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस ये ध्यान रखना इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते, बट हमको थोड़ा सा केयरफुली करना। आपने देखा होगा मैंने हर एक लाइन में कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ किया, मतलब आपको बहुत ही ध्यान से करना है, हम इसके अंदर अपने मन से कोई भी स्टेप प्लस माइनस या कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लैपलास की सबसे अच्छी खासियत है कि अपने फॉर्मूले खुद बनाता है, तो आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए बस आप उसमें ये ध्यान रखो कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है और उसका एंडिंग मुझे कहाँ तक लेके जाना। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट हो आप मुझे एनी टाइम कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर, प्लीज़ घर पर सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने